वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग टेक्निक्स। और आज इस वीडियो में हम अमेजिंग व्हाट्सएप ओपन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसके तमाम तर फीचर्स जो आपको एक बार हैरान कर देंगे और आप कहेंगे क्या ये सच्ची में है। चलें देख लेते हैं क्या आपका रिएक्शन होगा। तो ये जो व्हाट्सएप है हम इसको डाउनलोड करेंगे, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को आप ओपन करेंगे और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह आप व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं उसी तरह आप नंबर देंगे और आपका 6 डिजिट का जो पासवर्ड होता है वो आपके पास आ जाता है, वो आप एंटर करते हैं और आप लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आप जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं उसी तरह चलाएंगे, लेकिन इसमें आपके पास कुछ इस तरह के फीचर्स आ जाते हैं जो इसको बाकी से सेपरेट कर देते हैं। पहले ही मैंने बहुत सी वीडियोज बनाई जिसके ऊपर मैंने इसके काफ़ी फीचर्स बताए। अब मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर, उस वीडियो में हर चीज़ में बता दूंगा इस व्हाट्सएप की, ताकि जो चाहते हैं उनका फ़ायदा हो, वो उसको डाउनलोड करें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो हर चीज़ समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट गेट स्टार्टेड। तो जब आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये GB व्हाट्सएप आ जाएगा और यहाँ पर हम आप अलाउ कर देते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू। बिल्कुल सिंपल, जैसे आप नंबर देते हैं तो मैं अपना यहाँ पर नंबर दे देता हूँ और यहाँ पर आगे नेक्स्ट करते हैं, तो ओके कर देते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू, अलाउ अलाउ। तो यहाँ पर हम हमारे जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास जो ऑटोमेटिकल वेरीफाई है वो वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू दबा देते हैं, अलाउ, क्योंकि ओके गॉट इट। अगर आप बैकअप नहीं करना चाहते तो कैंसिल करके अवैस हैदर में लिख देता हूँ मेरा जो नेम है, जो मेरी फ़ोटो है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है और जो हमारा व्हाट्सएप है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक अमेजिंग चीज़ जो जाते साथ ही आपको नज़र आएगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ चैट्स हैं हमारे पास टॉप पर, फिर ग्रुप्स का अलग इन्होंने सेक्शन बनाया जिसकी वजह से इसकी अरेंजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्टेटस और कॉल्स। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम टॉप पर 3 बटन्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम मैसेज शेड्यूलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, कि हम अगर किसी को भी कोई मैसेज करना चाह रहे हैं प्लस पे करते हैं, कॉन्टैक्ट कोई भी डाल लेते हैं, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ये, तो डेट सेट करनी है कि किस डेट को हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है वो जाए। मैं फर्ज करें 2 जून को क्लिक करता हूँ, ओके कर देते हैं। टाइम 12 बज के, रात के जो 12 बजे है उस वक्त ये जो मैसेज है वो यहाँ से चला जाए, ओके कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो हमने टाइप करना है। फर्ज करें हैप्पी बर्थ किसी की बर्थडे है और आप उसको सेंड करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि रात 12 बजे तक आपको मतलब जागना ना पड़े, तो आप यहाँ पे मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि आई साइड जो है उसका भी ध्यान हमें रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑटो रिप्लाई आ जाता है, बहुत अच्छा फंक्शन है। प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, रिप्लाई टू ऑल मैसेजेस, रिप्लाई इफ़ इक्वल और रिप्लाई इफ़ कॉन्टेंस। अगर कॉन्टेन वाले पे क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे ऊपर जो लिखेंगे अगर उस मैसेज में वो चीज़ें लिखी हुई तो वो आपको रिप्लाई कर, तब वो रिप्लाई मैसेज जाएगा। और रिप्लाई टू ऑल मैसेजेस, ठीक है, हर जो भी आपको मैसेज करेगा उसके पास ये मैसेज जाएगा। टेक्स्ट के फर्ज करें अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़ी हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉरी आई एम बिज़ी राइट नाउ, ये हमने टाइप कर दिया। डिले मैसेज, कितने सेकंड डिले करना चाह रहे हैं कि मतलब उसका मैसेज आता जाए, तो उसके मैं चाहता हूँ 5 सेकंड बाद ये मैसेज जाए। ग्रुप कॉन्टैक्ट किया बहुत, मतलब कि ग्रुप से कोई मैसेज आता है तो उनको आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट से या बहुत से, मैं कॉन्टैक्ट से लिख देता हूँ। और स्टार्ट टाइम, मतलब आप चाहते हैं कि फास्ट करें, आपने
दो बजे से लेके दो से लेके 4 बजे तक ड्यूटी देनी है, ठीक है, 2 घंटे की ड्यूटी है। 2 घंटे के दरमियान जो कॉन्टैक्ट से जो भी मैसेज आएगा उसको 5 सेकंड के डिले के बाद सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि सेटिंग का, और यहाँ से आप जैसे सारी सेटिंग होती है आप कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कलर मैं वॉलपेपर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं वो वॉलपेपर भी लगा सकता हूँ, ये देख लें, डार्क कर सकते हैं यहाँ से, और थीम जो है वो आप लाइट भी कर सकते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा मेरे ख्याल है और भी बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें GB सेटिंग्स पर जाते हैं और यहाँ से हम शेयर GB व्हाट्सएप प्रो किसी ने, मतलब आप, मैंने आपके साथ शेयर किया तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अपडेट्स है, थीम्स है, होम स्क्रीन है, चैट स्क्रीन है, विजेट्स हैं और यूनिवर्सल है। यहाँ पर आप हर किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई भी आपको ना मैसेज सेंड कर पाए ना आप कर पाए, लेकिन आपका जो नेट है वो ऑन रहे, तो आप सिर्फ GB व्हाट्सएप जो है इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर दें और आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। तो ये भी एक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से मैं इसको आपके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास फीचर आ जाता है कि यहाँ पर मैं किसी को मैसेज टाइप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा जो मैसेज है वो चला गया, तो वो जो कॉन्टेक्ट था हमारे पास वो ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब वो हमें एक मैसेज कर रहा है और मैसेज करते साथ उसे कोई भी मतलब मिस्टेक हो गई है जिस वजह से वो डिलीट कर देता है मैसेज। यहाँ पे लिखा हुआ गया मैसेज डिलीटेड, कि उस बंदे ने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन जो मैसेज है वो आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी हमारा भी स्टेटस लगेगा, और वो स्टेटस लगने के बाद वो बंदा अगर स्टेटस डिलीट करता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो मैं दूसरा जो मोबाइल है उससे कोई भी स्टेटस जो है वो लगा देता हूँ। तो जो स्टेटस है वो हमारा बस अपलोड होने वाला है, तो उम्मीद है ये बहुत सी सेटिंग्स जो हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप भी ये व्हाट्सएप जो है वो डाउनलोड करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ सेटिंग्स बाकी हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर रोका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जिनमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ या इसके अलावा मैं आपके फ़ायदे की वीडियो बना रहा हूँ तो वो आप तक पहुँचती भी रहे। तो यहाँ पर अब जो हमारा स्टेटस था वो अपलोड हो चुका है, और अब मैं डिलीट करूँगा तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटस हमारे पास डिलीट हुआ है। तो जो हमारे पास स्टेटस था वो मैंने डिलीट कर दिया है। अभी हम स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे और साथ उसके क्रॉस बना हुआ है, मतलब ये जो स्टेटस है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ GB व्हाट्सएप आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब जो स्टेटस डिलीट हुए हुए होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह हम एक बटन को क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो मतलब काउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हम सेटिंग पर चले गए और यहाँ से हम जो भी चेंजिंग करना चाहें हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। यहाँ एक कैमरा बना हुआ है, अगर इसको हम क्लिक करें और फ़र्ज़ करें कि अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और टिक कर देता हूँ, अब वो यहाँ से डायरेक्ट बता रहा है कि किस किस को आप सेंड करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टाइम में बहुत से लोगों को ये सेंड भी कर सकते हैं,
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।